हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार आलू। तो हमने यहाँ आलू ली हुई है और इन्हें उबाल लिया है, और उबालने के बाद इन्हें छील लेंगे। देखिए हमारे आलू बहुत अच्छे से उबली हैं, और इसके बाद हम आलू को हम काट लेंगे। हम इन्हें चार भागों में ऐसे काटेंगे। देखिए हमने सारी आलू काट ली है। अब हम नमक पीस लेंगे। नमक में हमने लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया और नमक लिया हुआ है, इसे हमने पीस लिया है। और हमने यहाँ टमाटर भी काट लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। गर्म हो जाएगी तब इसमें हम तेल डाल देंगे और तेल को भी गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा को पकने देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सी हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी को हम पका लेते हैं। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। आप हल्दी डालने के पहले भी टमाटर डाल सकते हैं। और टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे। देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने काटी। अब हम इसमें नमक डाल देंगे जो हमने पीसा था। और ये नमक में डाल आलू में डाल देंगे। और आलू को अब हम गबड़ लेते हैं। आलू को हम अच्छे से कलहार लेंगे। हम इन्हें ऐसे ही कलहारते रहेंगे।
देखिए हमारी आलू कलर चुकी हैं। अब इसमें हरी धनिया भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारी आलू बहुत ही टेस्टी बनी हुई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।